वीकेंड का वार से पहले ही बिग बॉस के घर में एक बहुत बड़ा एलिमिनेशन हो गया है। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर से बेघर होने के लिए 3 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं, जिसमें सुम्बुल टोकिर खान, गौरी नागौरी और प्रियंका चौधरी का नाम शामिल था। ऐसे में अब एक कंटेस्टेंट घर से बेघर हो गया है, जिसका नाम सुनकर आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक आधी रात को बिग बॉस के घर से एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा और वो अपने घर वापस लौट कर चला जाएगा। ऐसे में आखिर बिग बॉस ने वीकेंड का वार के पहले ही एलिमिनेशन क्यों कर दिया है? कौन सा है वो कंटेस्टेंट जो घर से बेघर हो गया है? चलिए आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद सुम्बुल टोकिर खान, गौरी नागौरी और प्रियंका चौधरी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट थी। ऐसे में इस वीकेंड के वार पर इन तीनों में से ही एक कंटेस्टेंट बेघर होना था, लेकिन ऐसा तो देखने को ही नहीं मिला। जी हाँ, वीकेंड का वार से पहले ही इन तीनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ, बल्कि बिग बॉस ने अर्चना को घर से बेघर कर दिया है। जी हाँ, कैप्टेंसी के टास्क के वक्त कल आधी रात को अर्चना ने शिव के साथ हाथापाई की, जिसके चलते बिग बॉस ने कहा कि ये हाथापाई अर्चना ने शुरू की है, इसलिए उन्हें दंड दिया जाता है और दंड में उन्हें घर से बेघर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि ये फैसला सुनकर सभी घर वाले काफी ज्यादा हैरान हो गए। हालांकि शिव ने बिग बॉस से अपील की थी कि बिग बॉस, अर्चना ने मेरे साथ हाथापाई की है, इसलिए उसे घर से बेघर कर देना चाहिए। सभी घर वाले भी शिव के साथ थे। सभी का मानना था कि इसमें अर्चना का ही दोष है, उसने ही शिव के साथ हाथापाई शुरू की है, जिसके चलते बिग बॉस ने कड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि कल आधी रात को बिग बॉस ने यह फैसला लिया और अर्चना इस वक्त घर से बेघर हो चुकी हैं। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि अर्चना ऐसे इस घर से बेघर हो जाएंगी। वो तो बिग बॉस में यह कहती हुई भी नजर आई थी कि उन्हें बिग बॉस का विनर बनना है, लेकिन अब वो घर से बेघर हो चुकी हैं। आपको ये कितना सही लगता है और कितना गलत, हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।